शराब के नशे में टैक्सी ड्राइवर नरेश ने फीमेल पप्पी जेनी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसने मासूम फीमेल पप्पी के साथ बेरहमी से रेप किया और फिर खून से लथपथ जेनी को दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाके में फेंक दिया। वारदात के बाद जेनी फीमेल पप्पी के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होती रही, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। फीमेल पप्पी जेनी के मालिक ने बताया कि जेनी दो दिनों से घर से लापता थी, हम उसे ढूंढ रहे थे। पप्पी मालिक ने जब पूछताछ की तब पता चला कि आखिरी बार नरेश के पास जेनी को देखा गया था। नरेश से पूछताछ में उसने कबूला की उसने जेनी के साथ पहले रेप किया और फिर उसे नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में फेंक दिया था। नरेश रेप की इस वारदात को 25 अगस्त की रात अंजाम दिया था। जब पुलिस ने नरेश की पत्नी से इस मामले की पूछताछ की तो उसने बताया कि नरेश कई बार मेरे साथ हरासमेंट करते थे। नरेश की उम्र 34 साल है और उसकी पत्नी के अलावा दो बेटियां हैं। पपी को निकालकर संजय गांधी पशु केंद्र ले गया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।